तो दोस्तों फिर से हाजिर हूँ आपके सामने मूवी और सीरीज की तरफ से आई हुई बहुत ज्यादा तगड़ी अपडेट और न्यूज को लेके। तो आप अगर अपने फेवरेट शो या फिर मूवी की अपडेट मिस करना नहीं चाहते तो आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फिर जरूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूले और लगे हाथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो पहली अपडेट हमारे निकल के आ रही है क्राउन के सीजन 5 की तरफ से, जिसमें कि क्राउन का सीजन 5 आपको इसी साल 9 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करें इसकी ट्रेलर रिलीज डेट को लेके, तो क्राउन का सीजन 5 का ट्रेलर आपको इसी हफ्ते ट्यूसडे के दिन यानी कि गुरुवार को देखने को मिल जाएगा। साथ में बात कर लेते हैं क्राउन के सीजन 5 के ट्रेलर रिलीजिंग टाइमिंग को लेके, तो इसका ट्रेलर आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रात को 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में देखने को मिल जाएगा, जिसका हिंदी ट्रेलर भी आपको नेटफ्लिक्स इंडिया पे सेम टाइमिंग को देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, तो जिसमें मैं रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 2 की रिलीज डेट को लेकर बात करने वाला। तो इसके सीजन 2 और सीजन 3 की कंफर्मेशन इसके सीजन 1 की फिल्मिंग के दौरान ही कर दी थी, जिसमें कि अब इसके सीजन 2 की फिल्मिंग इसके सीजन 1 के साथ ही खत्म हो चुकी है और रिंग्स ऑफ पावर का सीजन 2 ऑलरेडी सितंबर के मंथ में अपने पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में चला गया है, यानी कि रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 2 के पोस्ट प्रोडक्शन पे ऑलरेडी काम चल रहा है। बाकी बात करें रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 2 के एक्सपेक्टेड रिलीज डेट को लेकर, तो रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 1 के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में कम से कम 1 साल लगा था और इसके सीजन 2 में भी 1 साल लगेगा। तो इस हिसाब से आपको रिंग्स ऑफ पावर का सीजन 2 आपको अगले साल यानी कि 2023 के अक्टूबर या फिर नवंबर में देखने को मिल सकता है, जिसके लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, तो जिसमें मैं बारबेरियन सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 की हिंदी डब रिलीज डेट को लेकर बात करने वाला हूँ। तो बारबेरियन सीरीज के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1 पेंडिंग में चला गया है कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से। और बात करें इसका एपिसोड नंबर 1 हमें कब तक हिंदी डब में देखने को मिल सकता है, तो इसी हफ्ते बारबेरियन सीरीज का सीजन 2 रिलीज होने वाला है, यानी कि हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि इसके सीजन 2 की हिंदी डब रिलीज के साथ साथ नेटफ्लिक्स इसके सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 की हिंदी डबिंग को भी रिलीज कर सकता है। तो देखते हैं नेटफ्लिक्स बारबेरियन के एपिसोड नंबर 1 को हिंदी डब करके इस हफ्ते रिलीज करता है या फिर नहीं करता है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, तो जिसमें मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वू के एपिसोड नंबर 11 से लेकर एपिसोड नंबर 16 की हिंदी डब रिलीज डेट को लेकर बात करने वाला हूँ। तो नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कंफर्मेशन दे दी है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वू के एपिसोड नंबर 11 से लेकर एपिसोड नंबर 16 को दो दो एपिसोड में डिवाइड करके वो हर मंडे के दिन रिलीज करेंगे, जिसमें कि एपिसोड नंबर 11 और 12 आपको 24 अक्टूबर को देखने को मिल जाएंगे, एपिसोड नंबर 13 और 14 आपको 31 अक्टूबर को देखने को मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वू के फाइनल एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 15 और 16 आपको 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वू के बाकी बचे एपिसोड को हिंदी डब में देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन जाने से पहले दो क्विक अपडेट के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें कि जैक राइन का सीजन 3 आपको प्राइम वीडियो पे 21 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको हिंदी के साथ साथ अदर लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा। और ब्रीथ इन टू शैडो सीरीज का सीजन 3 के लो या फिर सीजन 2 आपको प्राइम वीडियो पे 9 नवंबर को हिंदी के साथ साथ अदर लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही कुछ अपडेट और न्यूज थी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज या फिर कौन सी अपडेट के लिए एक्साइटेड है। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू या फिर अपडेट में, तब तक के लिए आप मैं चल के दूसरी रिव्यू या फिर अपडेट को एंजॉय करें। टिल देन बाय।